हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ मेरी छोटी वाली देरानी के वहाँ पर राखी करने के लिए, क्योंकि मेरी ननद लेट आई थी ना, मैंने आपको ब्लॉग में बताया था। तो आज हम जा रहे हैं चांदखेड़ा, मेरी छोटी सबसे छोटी वाली देरानी वहाँ पर रहती है। तो हम लोगों ने सब वहाँ पर इकट्ठे होके फिर राखी का फंक्शन करने का प्लान किया था। मैंने आपको बताया था ना, हर साल हम एक जगह इकट्ठे होते हैं। ये मेरी बेटी गाड़ी चला रही है, डॉली, इसके पापा आगे बैठे हैं, मैं पीछे पीछे बैठी बैठी वीडियो उतार रही हूँ। ये मेरी इससे छोटी वाली देरानी है, तो मैं इसके साथ में भी वीडियो उतार रही थी। ये मेरी देरानी की बेटी है, मतलब मैं सबसे छोटी वाली देरानी की लड़की मायू। इसको ट्यूशन में जाने का था तो इसको लेट हो रहा था। तो ये मेरी सेकंड नंबर वाली देरानी है मनीषा, उसका लड़का है देव, और इसका सग्गा भाई छोटा, ये प्रांशु है। हमारे घर में सबसे छोटा प्रांशु है बच्चों में। तो ये देव को राखी बांध रही थी। ભાદવાની ચોથ આપણે આજે ને वापस ले लियो, वापस ले लियो। तो क्या, अरे मैं फोटो नहीं पाड़ रही, मैं तो वीडियो उतार रही हूँ। हाँ फोटो पाड़ भाई, देखा नीचे धोखो नहीं गई, ऊपर धोखा। से बड़ा अनिकेत है, वो डॉक्टरी कर रहा है आगे, तो वो राजकोट में, तो वो हाजिर नहीं था। ये कीर्ति की राखी बन रही है। मेरी भी बड़ी वाली बेटी कीर्ति बैंकॉक में है, तो वो हाजिर नहीं हो सकी राखी पे। जगह ही कौन है फोन में? 2 GB जगह है फोन में, सब निकाल दे। तो कुछ है ही कौन फोन में? A few moments later. चाय डोली। फ्रांसो तो बीच में बैठ जा बेटा। तन चाय पीनी है? थोड़ी सी पीनी है? एक घूंट, दो घूंट। ये टोपी में बैठा है, ये लंदन से आया, मेरी ननद का बड़ा वाला बेटा है कार्तिक। सुबह जल्दी जल्दी मैं चाय पी। आगे के रूम में सब जेंट्स लोगों को राखी बांधने लग गए। ये मेरे जेठ जी हैं, सबसे बड़े वाले, ये SBI में जॉब करते थे वो, ये भी रिटायर हो गए। और ये मेरी ननद है, हम चार भाइयों के बीच में ये मेरी एक लौती ननद है, सबसे छोटी। तो पहले बड़े वाले जेठ जी को राखी बांधी। फिर सेकंड नंबर हमारे इसके पापा का है, मेरे हस्बैंड का, तो फिर इनका नंबर आया राखी बांधने का। हमारे लोगों में पहले भाइयों की राखी बांधते हैं, फिर भाभियों को बांधते हैं, फिर उनके बच्चों को, मतलब भतीजियां भतीजे जो होते हैं उनको भी बुआ राखी बांधती है।
भी आए दो दो के लिए किए आए ये मेरे से छोटे वाले हैं, मतलब इसके पापा से छोटे, थर्ड नंबर के अरुण जी नाम है इनका। इनका इनके दो बेटे हैं, एक तो डॉक्टर अनिकेत ना दूसरे इंजीनियरिंग कर रहा है। इनकी वाइफ भी मेरी देरानी मनीषा नाम है, वो भी हॉस्पिटल में जॉब करती है। बापूजी तो भुआ ये जो एक मिनट बापू जी ये जो नहीं है आप स्मेल आती है फिर ये सबसे छोटे वाले देवर जी हैं मुकेश जी। आज हम कल इनके यहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे। आइए जो बुआ एक बार यहाँ जो चाचू जी देख फिर ये थर्ड नंबर वाले जो मेरे से छोटे उनका बेटा है छोटा वाला। बड़ा वाला तो मैंने बताया ना राजकोट में है, ये छोटा वाला है, इसका नाम देव है। तो हमारे भतीजों को भी राखी बांधते हैं ना, तो वो है ये। फिर ये सबसे छोटे वाले देवर जी का लड़का प्रांशु, लड़की तो मायू तो चली गई ट्यूशन राखी बांध के देव को। ये मेरी छोटी वाली बेटी डॉली कीर्ति तो हमारी बैंकॉक में जॉब करती है, वहां पे शादी हुई है ना उसकी, तो वो वहां पे थी। तो डॉली यहाँ पे अहमदाबाद में है, तो डॉली को राखी बांध रही है इसकी बुआ। मेरे जेठ जी के दोनों बच्चे नहीं आए थे, वो अपनी अपनी जॉब के हिसाब से बाहर थे, तो फिर जो हाजिर था उन्हीं भतीजों भतीजों को बांध दी थी राखी। फिर हम लोगों ने बेडरूम में राखी बांधी, तो ये मेरी जेठानी है, इनका नाम मीना है। सबसे बड़े ये हैं, बड़े भाई सबसे शुरुआत करते हैं ना, वैसे बड़ी भाभी जी से शुरुआत करते हैं। फिर मेरा नंबर आ गया, सेकंड नंबर की मैं हूँ, तो मेरा नंबर आ गया राखी बांधने का, तो मैं राखी बंधवा रही हूँ। हमारे यहाँ भाई को नारियल देते हैं, भाभी को गट देते हैं, आधा नारियल होता है सूखा वो देते हैं। ये मेरे से छोटी वाली देरानी मनीषा, इसका नंबर आया फिर राखी बांधने का। इसके दो बेटे हैं जो मैंने बताया, एक देव ने एक अनिकेत। अनिकेत हाजिर नहीं था, जैसे कीर्ति हाजिर नहीं थी, मेरे जेठ के दो बच्चे हाजिर नहीं थे, तो उस तरह से ये मनीषा है, ये भी जॉब करती है हॉस्पिटल में। ये सबसे छोटी जिनके घर में हमने फंक्शन रखा था,
इसका नाम संगीता है, पहले ये भी जॉब करती थी। इसके एक बेटी ने बेटा है, ये सबसे छोटी वाली देरानी है मेरे। इसके यहाँ पे कल हमने फंक्शन सब रखा था। मैंने प्रांशु को बोला सबसे छोटे वाले देवर के लड़के को कि तू आगे के सबका बैठे हुए का वीडियो उतार ला, क्योंकि मैं तो उतार नहीं सकती थी आगे जाके, तो वो वीडियो उतार रहा है। मैदा का आटा उसने है, भटूरे के लिए ये छोले, ये पूरी। मैंने इसमें मेरी बड़ी वाली बेटी को बहुत मिस किया कि आज बड़ी वाली बेटी भी होती। मैं ननद का छोटा वाला बेटा भी नहीं आया था, दर्शील नाम है उसका। मैं ननद के भी दो लड़के हैं, तो हम लोग कीर्ति को भी मिस कर रहे थे कि आज वो भी होती, पर क्या करें इतनी दूर उसकी शादी हुई है, तो हर फंक्शन पे तो हर टाइम तो नहीं यहाँ पर आ सकती ना। तो आप लोग फ़ोटो का इन्जॉय करिए और देखिए, मुझे बताना कि आपको ये मेरा ससुराल पक्ष का रक्षाबंधन का फेस्टिवल का हमने कैसे इन्जॉय किया, आप मुझे बताइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।